नवित्रा के बेरला ब्लॉक के ग्राम कुमही खर्रा के सरपंच ने ग्राम पंचायत की राजस्व भूमि स्काई लार्क हेचरेज को दे दी है। इसके लिए न ग्राम सभा की बैठक बुलाई गई और न ही ग्रामीणों की सहमति ली गई है। पोल्ट्री फार्म का दूषित वेस्ट मटेरियल गांव के किसानों के खेतों और नहर में छोड़ दिया जा रहा है, जिससे किसानों की धान की फसल को भारी नुकसान हो रहा है और गंदा पानी तालाब में जा रहा है। इसके प्रभाव से लोगों के पूरे शरीर में दाद खुजली का संक्रमण हो रहा है, जो पहले कभी नहीं हुआ था। पोल्ट्री फार्म के प्रदूषण से गांव में मक्खियां और विभिन्न बीमारियां बढ़ रही हैं। भयंकर बदबू से आने जाने वाले बड़ी मुश्किल से गुजर पाते हैं। वेस्ट मटेरियल के गड्ढे का पानी पीकर बीते दिनों एक बंदर की मौत हो चुकी है, लेकिन प्रशासन खतरे को नजरअंदाज कर रहा है। अगले आचार संहिता लगने के पहले हमारे पंचायत बैठक हुआ था, जिसमें पंच नवीन थे, उसमें प्रस्ताव पारित किया और उनको चुनौती दी, अनुमत दिया था। ये गलत है, सब पंच शामिल थे, सब पंच मीटिंग में आए, सबका साइन है रजिस्टर में, लोग तो कुछ भी बोल देंगे ना, ये जनता के दबाव में आके, गांव ग्रामवासी के दबाव में आके, पंचायत के प्रस्ताव से हो जाता है करके हम लोगों ने दिया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर बेला ब्लॉक के ग्राम कुम्ही में सरपंच ने ग्राम पंचायत की राजस्व भूमि स्काई लार्क हेचरेज को दे दी है, और वहीं ग्रामीण इसका विरोध कर रहे हैं। वहां से गंदा पानी जो है ग्रामीणों के खेतों में जा रहा है, किसान परेशान हुए हैं, लोग ये दूषित पानी जो है साफ पानी को भी खराब कर रहा है, जिस वजह से लोगों को बीमारियां हो रही है, और ग्रामीणों ने प्रशासन पर चीजें नजरअंदाज करने का आरोप भी लगाया है, और दूषित वेस्ट मटेरियल से फसलें खराब हो रही हैं। लगातार जिस तरह से पानी खराब हो रहा है, जल खराब हो रहा है, उस तरह से उसकी वजह से लोगों को बीमारियां भी हो रही हैं। देख सकते हैं लोग किस तरह पर विरोध कर रहे हैं, लोगों की बहुत सारी शिकायतें हैं, परेशान हो रहे हैं वहां पर लोग, और लगातार प्रशासन से नजरअंदाज करने का आरोप भी लगाया गया है, क्योंकि गंदे पानी से उन लोगों का जीना भी दुश्वार हो गया है, दूषित वेस्ट मटेरियल से फसलें भी खराब हो रही हैं, प्रदूषित से खतरा भी बढ़ रहा है, बदबू और संक्रमण से गांव वालों का जीना भी दूभर हो गया है। और बाल एक्सप्रेस में इतना ही, खबरों के लिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ।